बड़ी खबर आपको बताते हैं, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को कई राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है। हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू भी पहलवानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, इनके समर्थन में पहुंचे जंतर मंतर। महिला पहलवानों का उन्होंने समर्थन किया है, पहलवानों के धरने का आज 9वां दिन है। देखिए हरीश रावत कैसे पहुंचे यहां पर, इन्होंने पहलवानों के समर्थन में अपनी बातों को रखा और लगातार ये पहलवान मांग उठा रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए, फौरन उनके तमाम पदों से उन्हें हटाया जाए। तो बड़ी बड़ी शख्सियत पहुंच रही है इस मंच पर। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची, अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे, कई खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है इन्हें, कई सितारों का, फिल्म सेलिब्रिटीज का भी समर्थन मिल रहा है। अब देखिए समर्थन में हरीश रावत पहुंचे, पहलवानों से मुलाकात के लिए नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। इन तमाम लोगों ने कमोबेश यही बात कही है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, इन्हें अपनी बातों को रखने के लिए ये तरीका चुनना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। पहलवानों के धरने का आज 9वां दिन है। सवाल ये उठ रहा है क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है, एक और FIR दर्ज हुई है, उसके बावजूद अभी तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है और गिरफ्तारी को लेकर लगातार पहलवान आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहले मांग कि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो, FIR दर्ज हो गई, वो भी दो ना। तो ये पहलवान यहां से हटने को तैयार हैं, ना तो बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे इल्जामों के बाद और FIR के बाद भी ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। फोगाट फैमिली पर उन्होंने कई आरोप लगाए, एक अखाड़े को उन्होंने आरोपों में रखा आपने। लगातार कई शख्सियत पहुंच रही है इस मंच पर, हरीश रावत भी पहुंचे, नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे पहलवानों से मुलाकात के लिए इनके समर्थन में। कल अहले सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची थी, उन्होंने खिलाड़ियों से बात की, रेसलर्स से बात की और प्रियंका गांधी ने तो प्रधानमंत्री पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कब इनकी मन की बात सुनेंगे प्रधानमंत्री। आज की दो अहम तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, कैसे ये बड़ी शख्सियतें पहुंच रही हैं पहलवानों के समर्थन में इनसे मुलाकात के लिए। मंच पर, पोडियम पर आपके कर्तव्यों के कारण ऊपर बढ़ता है, उसके सम्मान का सवाल है। अरे ये तो हमारी जगह थी लड़ाई करने की, संघर्ष करने की। ये खुरदरी जमीनें, इन जमीनों पर जब आपको आना पड़ा, जिनका स्थान कहीं मैट्रेस पर जो है कुश्ती लड़ने में, कहीं वहां पर आगे के लिए अपने को माजरे में लगना चाहिए था, उसका हमको गहरा दुख है। मैं फिर से अपनी एकजुटता जाहिर करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका संघर्ष सफल। बिल्कुल मत रखना, ये छोटे दायरे की बात नहीं है, ये पार्टियों से उठ के ऊपर, ये देश की सभी औरतों के सम्मान की लड़ाई है और ये सीमित नहीं किया जा सकता, इसे उसी नजर से देखना होगा। अब देश के लिए सवाल यह है कि क्योंकि दोषी एक बड़ा आदमी है, तो क्या यह सिस्टम उसे सुरक्षा कवच पहना रहा है या मंशा सजा देने की है? किसी भी केस की बुनियाद FIR होती है और FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अभी तक वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं हुए। मेरा सवाल है 10 दिन क्यों लगे FIR दर्ज कराने में?